हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षरा की ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, अभी ना इस टाइम पे बजे हुए हैं दोपहर के 3:30 और मैं आ गई हूँ छत पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी धूप में और ये छत पर क्यों आई है। पता है, बहुत तेज़ वाली जो धूप है ना वो निकली हुई है और मुझे बिल्कुल भी मतलब चैन नहीं पड़ रहा था। इतना तेज़ जो धूप थी ना वो मेरी बॉडी में चुभ रही थी, लेकिन मजबूरी थी, छत पे आना है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और मैं आई हूँ यहाँ पर चिड़ियों के लिए दाना डालने। तो कभी कभार ना ऐसे काम मैं कर लिया करती हूँ जब मेरा मन होता है या मन में कुछ भी चल रहा होता है सोच विचार, तो मैं सोचती हूँ कि चलो चिड़ियों को दाना डाल कर आते हैं। इससे क्या होगा कि उनका भी पेट भर जाएगा और शायद ईश्वर ने चाहा तो अपना भी कुछ भला हो जाएगा। तो बस वही है। और यहाँ पर मैं ये दाना जो है वो डाल रही हूँ। तो सबसे ऊपर वाली जो छत है मैं उस पर आई हुई हूँ और ये छत है ना बाथरूम की छत है, तो इसी के ऊपर मैं सारा दाना डाल दूँगी। क्योंकि जो बड़ी वाली छत है ना उसके ऊपर डालेंगे तो कभी ऐसा होता है कि रात में हम लोग आकर बैठ जाते हैं तो पैरों में सारा दाना लग जाएगा। इस वाली छत पे कोई नहीं आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं देख रही थी यहाँ पर तोरी की बेल। जो तोरी की बेल है ना वो नीचे प्लॉट में है, प्लॉट से होकर वो हमारी छत तक आ चुकी है। तो बस मैं वही देख रही थी कि इस पर एक भी तोरी आई है या नहीं आई है। ज़्यादा मैं नहीं झुक रही थी क्योंकि ये जो दीवार है ना वो एक ईंट ही बनी हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। चौथी मंजिल पर जाकर छत है इस वजह से। तो अभी फाइनली मैं आ गई हूँ नीचे सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर का जो पोच है, ये जो जीने के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग पोच बोलते हैं। तो ये जो पोच है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गंदा हो रखा है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर साफ़ सफ़ाई डेली होती है, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ सफ़ाई के लिए। इस वजह से ये जो शीशे हैं इनमें से धूल मिट्टी थोड़ी सी कभी कभार आ जाती है, क्योंकि कुछ शीशे जो हैं वो खुले हुए हैं एयर के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं ना झाड़ू लगाने लग गई। मैंने सोचा पहले नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर मुझे जब ये पोच गंदा सा दिखाई दिया ना तो मैंने कहा चलो इसमें पहले झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से इसको क्लीन कर देते हैं। तो शाम के 4 बज चुके हैं इस टाइम पर और झाड़ू का तो टाइम वैसे भी हो चुका है, क्योंकि 2 बार तो मिनिमम झाड़ू सबके ही घरों में लगती है, गांव हो या शहर हो। एक बार सुबह के टाइम पे सारी साफ़ सफ़ाई होती है और शाम के टाइम में झाड़ू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसा कि ये बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे इस चीज़ को। तो अभी फाइनली हम लोग गए थे बच्चों के स्कूल, क्योंकि वहाँ पर आज PTM थी और इनका हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम थे उसका रिज़ल्ट आया हुआ था। तो बस वही देखने के लिए मैं और अक्षु गए थे। तो कुछ दूर तक तो मैंने स्कूटी चलाई थी, लेकिन फिर अक्षु ने भी नई नई स्कूटी चलानी सीखी है तो उसका भी मन था कि वो हाईवे पर स्कूटी चलाए और मुझे बैठाकर स्कूटी चलाए। तो बस वही बच्चे का मन था तो मैंने कहा चलो ठीक है, और जब तक वो नहीं चलाएगी तब तक उसका हाथ भी साफ़ नहीं होगा तो ज़रूरी है कि वो चलाए। तो बस मैंने यही सोचकर उसको थोड़ी देर के लिए स्कूटी दे दी और यहाँ पर हम माँ बेटी दोनों के दोनों जा रहे हैं PTM अटेंड करने के बाद अपने घर वापस। तो बस मज़ा आ गया आज अपनी बेटी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षरा दी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। तो अभी सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, मतलब नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने घरों में और नवरात्रि आपकी बहुत अच्छे से बीते। अभी जैसा कि सभी को पता है कि फेस्टिवल सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और फेस्टिवल सीज़न मतलब अभी नवरात्रि चल रही है, इसके बाद आपका दशहरा और ये सब आने वाला है, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ, तो मतलब सारे फेस्टिवल जो है वो आने वाले हैं। लगभग लगभग 1-2 महीने में सारे फेस्टिवल निपट जाएंगे होके। और जब फेस्टिवल सीज़न आता है ना तो हम लोग सारे के सारे कितना मतलब उत्सुकता जो होती है ना वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि फेस्टिवल का सभी को इंतज़ार रहता है। बच्चे तो ख़ास तौर पर पागल हो जाते हैं फेस्टिवल्स के लिए। तो अभी आने वाले हैं फेस्टिवल सारे और सभी लोगों की जो है वो तैयारियां चल रही हैं फेस्टिवल की, और आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो एक मिनट पहले मैं बैठ जाती हूँ अच्छे से। ओके, तो जैसा कि सभी को पता है कि फेस्टिवल आने वाले हैं और सभी की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी ना मैं मतलब और मेरा जो काम था ना घर का वो सारा का सारा फिनिश हो चुका है, और आज मैं थोड़ा अकेली थी घर में तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर ली जाए। तो वीडियो मेरे आपको कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोगों को पता नहीं मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं या नहीं आते हैं,
तो मुझे कम से कम ये बात तो पता चले, मेरे सारे वीडियोस के कमेंट्स ऑन रहते हैं, तो आपको मेरे वीडियो में जो भी कमी लगे या पसंद ना भी आए तो एक बार मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हो ये चीज़, तो मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं तो बस वीडियो शूट करके डाल देती हूँ और कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सकूँ, लेकिन कैसी आती है वो मुझे खुद को नहीं पता, तो जो लोग देखते हैं वीडियो उनको ज़्यादा अच्छे समझ आती होगी वीडियो की क्वालिटी वगैरह। तो आप अगर देखते हो तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ कि मेरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती भी है या नहीं आती है, या किसी चीज़ में कोई कमी है व्लॉग में, किसी कहाँ पर क्या कमी रहती है, तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी बातों से आपको कर दिया थोड़ा सा बोर, लेकिन मैं अकेली थी तो मैंने सोचा कि चलो किसी से तो बात कर ली जाए, मैं खुद बोर हो रही थी, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और देखो बातों से ही लोग कनेक्ट होते हैं, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप मुझसे कमेंट में बात नहीं करोगे, तब तक आप मुझसे कैसे कनेक्ट होगे बताओ मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो बस मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, जो भी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, छोटे छोटे लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, तो बस मैं सभी को दिल से प्यार करती हूँ और आप सभी के लिए डेली व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। बस दिल से प्यार दीजिएगा, सपोर्ट बनाइएगा अपना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जल्दी से जाके। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्यारे प्यारे से कमेंट किया करो जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे देख रहे हो और कौन कौन मुझे देख रहा है, कौन कौन मुझे दिल से प्यार करता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।